जय हिंद बच्चों तो रोज़ तो मैं आपको पढ़ाता ही था आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं कुछ और बात करने आया हूं देखिए फिल्में समाज का आईना होती है ऐसा मैंने सुना है और देखा भी है अनुभव भी कहता है जो हमारे समाज में घटित होती है बड़े बुजुर्ग कभी कभी कहते हैं कि भाई सिनेमा देख के क्या करोगे सिनेमा बुरी चीज़ होती लेकिन ऐसी बात नहीं है वो हम पे आप पे निर्भर करता है उससे हम सीख कैसी लेते हैं हर चीज़ के पीछे अच्छाई और बुराई दोनों होती है वो तो आप पे डिपेंड करता है आप उससे अच्छाई को लेते हो या बुराई को लेते हो तो इधर एक मैंने फिल्म देखी फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं है वह प्रमोशन के लिए मुझे पैसा नहीं मिला है लेकिन हाँ ये हर बच्चे को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए तो मूवी का नाम इधर दो दिन पहले ही मैंने देखा ट्वेल्थ फेल है तो नाम पे ना जाइए भाई ट्वेल्थ फेल है ट्वेल्थ फ़ेल हो करके क्यों फ़ेल हुआ और फेल होने के बाद उसे क्या सीख मिली क्या प्रेरणा मिली तो हर एक उस बच्चे को खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं उनको तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए और देखनी ही नहीं चाहिए मैं तो कहता हूं कि जब ये ओ टी टी आ जाए तो इसको रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल में रख लेना चाहिए जब भी आपका मन घबराने लगे आप डिमोटिवेट होने लगे ज़्यादा ना आधा पौन घंटा इस मूवी को आप देख लीजिए मेरा दावा है कि आप मोटिवेट जरूर हो जाएंगे बहुत साफ सुथरी बहुत ही अच्छी फिल्म है मतलब बॉलीवुड में मैं तो खैर बिहारी आदमी हूं बहुत सारी फिल्में देखा हूं लेकिन टॉप फाइव फिल्में अगर काउंट किया जाए तो उसमें से एक ये मूवी मुझे लगी यह फिल्म मुझे लगी बहुत 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 ही अच्छी फिल्म है और पढ़ने वाले हर बच्चे को देखना तो जरूर चाहिए खास करके उन बच्चों को जैसे मैं भी जब क्लास लेता हूं बहुत बच्चे कहता हूं कि सर मैं बहुत गरीब हूं मेरे साथ ये परिस्थितियां हो रही है मेरे साथ वो परिस्थितियां हैं इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं समय नहीं मिल पा रहा है पैसा नहीं है तो उन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है जिस दिन आप चाह लेते हो ठान लेते हो आपको सफल होने से कोई नहीं रोकता हाँ बहुत सारी मुश्किलें जरूर आएंगी लेकिन अगर आपके अंदर वो जोश है जज्बा है अगर आप मोटिवेट सेल्फ मोटिवेटेड भी अगर हो ठीक तो आप मंजिल तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे और उसके पाने के दौरान अगर मान लीजिए वहां तक नहीं भी पहुंच पाते हैं ऐसे 99 परसेंट संभावना के आप वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे ठीक लेकिन अगर नहीं भी पहुंचते हो तो भी लाइफ में आप असफल तो कम से कम नहीं रह सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि इस मूवी में जितने भी है भाई की अच्छी बात है कि सबका सिलेक्शन हो गया संघर्ष करते हुए लेकिन उन्होंने जिन्होंने संघर्ष किया अगर मान लीजिए वहां तक जैसे ये मेन तो है यूपीएससी से रिलेटेड है आपका आईएएस नो डाउट मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है तो इतनी सारी सीधे जितने तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उतनी सीट तो नहीं होती है, तो सबका तो नहीं हो सकता है। लेकिन जिनका नहीं भी हुआ वो भी उस मंजिल तक इतना तक वो पहुंच जाते हैं कि वो अपने आप को असफल तो नहीं कहते हैं। असफल तभी होते हैं जब वो मन से हार गए होते हैं तो अगर अपने मन से नहीं हारा है तो आप कभी असफल हो ही नहीं सकते हो। लाइफ में हमेशा आप अच्छा ही पाओगे नो no डाउट अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे ही पाओगे मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूं कि अगर अपने जीवन में आपने कुछ ऐड किया है कुछ प्लस किया है तो माइनस कैसे हो जाएगा मैथ्स का तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट होगा जोड़ोगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जोड़ करके कभी घट नहीं सकता है तो यही सेम चीज है तो मेहनत करना ये आपको सिखाता है परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है वो बात कभी कभी जब हम कहते हैं या कोई और कहता है बहुत लोग सुनते हैं बहुत लोग नहीं कभी कभी जब देखा जाता है परिस्थितियों को कहानी कोई भी कहानी पढ़ते हैं रामायण हो महाभारत हो चाहे जो भी हो किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ते हैं किन्हीं की, की भी जीवनी पढ़ते हैं तो हमें क्या मोटिवेट करता ही करता है ना तो ये भी एक मनोज कुमार शर्मा जी आईपीएस हैं चंबल से निकल करके कैसे वो आईपीएस बने उनकी कहानी है उनकी जर्नी है और इसमें बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलता है तो जो भी आपकी आप चूंकि मैक्सिमम लोग अगर हमारे बच्चे देख रहे हैं तो आप टी जी टी पी जी टी एल टी या जी आई सी या जो भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए देखना तो ये और भी जरूरी होता है क्योंकि आप अगली पीढ़ी का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी ही हो होगी और आप जब तक मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक आप सामने वाले को मोटिवेट कर ही नहीं सकते हैं तो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट रहने की जरूरत होती है असफलताएं मिलती ही मिलती है ठीक है तो वही बात है ना कि टैगलाइन जो है हारा वही जो लड़ा नहीं हार वही जाता है जो लड़ने का जिसमें जज्बा नहीं है लड़ेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे यार एक बार हारेंगे दो बार हारेंगे जीत तो होगी ही होगी ना मिले इसका तो खैर सवाल ही नहीं होता है तो एक बार मूवी को देखिएगा जरूर तब मेरी भावनाओं को आप समझ पाएंगे आप रिलेट कर पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा और हर 10-20 दिन बाद जब ये आ जाए टीवी पे आ जाए या मतलब ओ पे आ जाए तो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा महीने दो महीने में एक बार जब जब आप इधर उधर भटकने लगे इसको जरूर देखिएगा तो जय हिंद और देख करके कमेंट में बताइएगा जरूर कि मेरी सलाह आपको कैसी लगी मैंने कुछ गलत बोला है तो उसको भी कमेंट में आप और जिन्होंने देख लिया देख लिया वो भी कमेंट कर करके, करके जरूर बताएंगे कि कैसी लगी आपको मूवी जय हिंद